नमस्कार, मैं अमन कुमार, आप देख रहे हैं सनराग लाइव। पटना में आए दिन प्रदूषण को लेकर सभी गाड़ियों की जांच की जा रही थी और उसी संदर्भ में आज परमंडलीय आयुक्त ने आज वाहन के साथ, वाहन जो कि उनका प्रदूषण जांच वाहन है, उसके साथ सभी पटना के क्षेत्र में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कई गाड़ियों को उन्होंने पकड़ा और परमंडलीय आयुक्त कार्यालय में लाकर उसकी प्रदूषण जाँच कराई गई। उसके बाद परमंडलीय आयुक्त ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। डीजल स्मोक मीटर है, इससे गाड़ी का जो पोल्यूशन लेवल है, जो प्रदूषण करता है या नहीं, इसका जांच करने का एक मशीन है और प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें ये जितने ऑटोज़ हैं और बाकी कमर्शियल व्हीकल्स का भी हम लोग जांच कराएंगे और पोल्यूशन रिपोर्ट या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो आदमी जिसका पोल्यूशन ठीक नहीं है उसको बताया जाएगा कि वो अपने गाड़ी को या तो बदल दे या उसको ठीक कर दे। और इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट का जो संरक्षण करना है उस पर एक, क्योंकि एक मेजर पोल्यूटेंट व्हीकुलर एमिशंस होते हैं, तो उस पर हम लोग नियंत्रण लाने के लिए एक अभियान होना चाहिए। और इसमें गाड़ी जब्त करने का भी प्रावधान होगा क्योंकि बहुत सारे गाड़ी ऐसे चल रहे हैं जो पोल्यूशन सीमा को काफ़ी ज़्यादा लूना है। जो बिना पोल्यूशन चेक का है वो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये बेसिकली डीजल स्मोक मीटर है और जो इंजन है उसमें कितना प्रदूषण उससे जनरेट हो रहा है इसको चेक करने के लिए ये मशीन लगाई जाएगी और जो बस स्टैंड है या जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर इसको लगा करके रैंडमली वाहनों को चेक किया जाएगा और जो प्रदूषण के मानक पर नहीं पाए जाएंगे उनका प्रदूषण का अगर प्रमाण पत्र कैंसिल किया जाएगा और वाहन पर कार्रवाई की जाएगी। बिना प्रदूषण के कोई भी वाहन जो है सड़क पर नहीं चल सकता। ऐसे कितने वाहन सर हैं और ये इसी को अभी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे वाहन जो हैं रास्ते में ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें प्रदूषण नियंत्रित मात्रा से अधिक आँख से दिखती है, लेकिन वास्तव में क्या है उसके लिए इस मशीन का उपयोग करके और उसी समय इसका चलान भी काटा जाएगा और साथ में प्रदूषण का जो उसका सर्टिफिकेट है उसको भी रद्द करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पटना में तो परमंडलीय आयोग ने ये कुछ कहा कि जो भी वाहन जो ज्यादा प्रदूषण फैला रही है उसे जल्द से जल्द रोड पे चलने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और वो ऐसे वाहन खड़ी की खड़ी रह जाएंगे, उन्हें चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं अमन कुमार, सनमार्ग लाइव। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू हों।